Welcome to StudyGram, your academic therapy. And if you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. Friends, today we will be talking about the gas leak tragedy which has struck the coastal city of Vishakhapatnam. एटलीस्ट इलेवन पीपल इंक्लूडिंग अ चाइल्ड डाइट आफ्टर द टॉक्सिक गैस हैड लीक फ्रॉम दी एल जी पॉलिमर्स फैसिलिटी लोकेटेड नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये गैस लीक क्यों हुई कहाँ हुई कैसे हुई और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है गैस लीक हुआ है एल जी पॉलिमर्स प्लांट पे अराउंड टू थर्टी ए एम इन द मॉर्निंग ऑन द सेवेंथ ऑफ मे और इसकी वजह से मोर देन थाउजेंड्स हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर कंप्लेन्स ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड वॉमिटिंग फ्रेंड्स हम आपको एक और बार इस पॉइंट पर रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडीग्राम वन नाम से तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से लेटेस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिए तो इस गैस लीक का सोर्स क्या है एक स्टाइरिन प्लांट जो कि साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल के प्लांट पर लोकेटेड है ये एल प्लांट आर आर वी पुरम नियर गोपालपटनम में जो है जो कि 15 किलोमीटर है फ्रॉम विशाखापट्टनम ये जो गैस लीक ट्रेजडी है इसने अफेक्ट किए हैं थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट इन फाइव विलेजेस इन एंड अराउंड द एरिया ऑफ विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश तो हमें इस गैस लीक ट्रेजेडी से अपनी पुरानी भोपाल गैस ट्रेजेडी याद आती है जो कि हुई थी सेकेंड एंड थर्ड दिसंबर की रात को ईयर नाइनटीन में यूनियन कार्बाइड प्लांट पे हुई थी जिसमें मोर देन फोर्टी टन ऑफ टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी एक्सपोजिंग मोर देन फाइव लैक पीपल टू दीज टॉक्सिक गैसेस तो स्टाइडिन क्या है ये एक फ्लेमेबल लिक्विड है विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइडिन प्लास्टिक्स फाइबर गैसेस रबर्स एंड लेटेक्स ये व्हीकल के एग्जॉस्ट में सिगरेट के स्मोक में और नेचुरल फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है वॉट हैपन्स वेन पीपल एक्सपोज टू स्टायरिन देखिए शॉर्ट टर्म एक्सपोजर अगर हुआ है तो उसके रिजल्ट में लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग सकती हैं इरिटेशन इन द आईज़ होती हैं इरिटेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़ हो जाते हैं और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो गया तो उससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक प्रॉब्लम है वो हो सकती है और ये कैंसर एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियों को भी लीड कर सकता है सो व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू स्टाइरीन क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे सिम्टम्स इंक्लूड हेड एक रह सकता है सुनने में दिक्कत हो सकती है फैटी डिजीनेस वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग और फोकसिंग और एनिमल स्टडीज़ के हिसाब से आपको अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है लिवर किडनी आई नेसिल इरिटेशन फ्रॉम इन्हीशन एक्सपोजर्स हो सकते हैं What to study? Leaked gas effects and the reasons for this leakage. This topic is important for prelims and the main examinations of the UPSC. Prelims and the main examination of UPPSC, MPPSC, RPSC, BPSC, plus other state exams, SSC, CTET, CDS, net banking exams, also other exams where current affairs play critical roles. So, all the very best friends. I hope this video was useful. If you have any queries or concerns, write down in the comments box below and we'll get back to you shortly. And yes, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. Bye bye.